नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस अकेडमी जयपुर। दोस्तों आज का टॉपिक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, वीडियो अंत तक बने रहिए। और यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे हमारे वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये हमारा जयपुर सेंट्रल है। जब भी कभी आप ट्रैवलिंग करके आते हैं तो आप कुछ इस तरीके से जयपुर सेंट्रल से आप 14 नंबर टैक्सी पकड़ के आपको जाना है बड़ी चौपड़। बड़ी चौपड़ का किराया आपका होगा अप्रोक्स 15 रुपये। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, इस ब्लॉग में आपको ओवरऑल्स देखने को मिल जाएगा किस तरीके से आप पीसीएस एकेडमी में पहुंचेंगे। ये आपका सिंधी कैंप का ब्रिज है, आप बाई बस भी ट्रेवल कर सकते हैं या फिर आप ई रिक्शा के माध्यम से भी ट्रेवल कर सकते हैं। तो ये आपका सिंधी कैंप, आगे मैं आपको ले चलता हूँ बड़ी चौपड़, देन इसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। चलिए उससे पहले मैं आपको देके दिखा देता हूँ सिंधी कैंप। ये आपका आ गया पोलो बैटरी सिंधी कैंप, देन इसके बाद आप देख सकते हैं इस तरीके से क्राउड रहता है आपके सिंधी कैंप में। सिंधी कैंप में कुछ इस प्रकार का क्राउड आपको देखने को मिलता है। ये हो गया आपका सिंधी कैंप मेट्रो स्टेशन, आपका सिंधी कैंप मेट्रो स्टेशन आने वाला है। आप देख सकते हैं सिंधी कैंप में, क्योंकि सिंधी कैंप ही आपका मेन बस स्टॉप है जयपुर का, इसकी वजह से क्राउड कुछ ज़्यादा ही होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा कि आप सिंधी कैंप मेट्रो स्टेशन किस तरीके से पहुँचेंगे। ये आपका सिंधी कैंप मेट्रो स्टेशन आ चुका है, आप देख सकते हैं ऊपर जो बिल्डिंग बनी हुई है ये आपके सिंधी कैंप मेट्रो स्टेशन की बिल्डिंग है। इसके बाद आप देख सकते हैं ये आपका आ गया सिंधी कैंप मेट्रो स्टेशन, तत्पश्चात आपको देखने को मिलेगा सिंधी कैंप बस स्टॉप। ये आपका सिंधी कैंप बस स्टॉप है जो पूरे जयपुर का एकमात्र सबसे बड़ा बस स्टॉप है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से ये आपका सिंधी कैंप बस स्टॉप आ गया। जयपुर सेंट्रल से सिंधी कैंप का किराया मात्र 5 रुपये है। यदि आपका कोई एडिशनल लगता है तो उस कंडीशन में आप उसके लिए बोल सकते हैं उन्हें। देन इसके बाद आपको मैं ले चलता हूँ चांदपोल बाज़ार, इसके बाद छोटी चौपड़, देन बड़ी चौपड़, देन हवा महल, देन जल महल, देन आमेर पोर्ट। तो ये आपका सिंधी कैंप से चांदपोल बाज़ार अंडरग्राउंड है, चांदपोल मेट्रो स्टेशन अंडरग्राउंड है। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। आ गया आपका चांदपोल मेट्रो स्टेशन, आप देख सकते हैं ये मेट्रो स्टेशन है चांदपोल का। इसके बाद ये काफी सारा बड़ा ग्राउंड है, देन इसके बाद आप चांदपोल बाजार के लिए यहां से एंटर होंगे। यदि आप कपड़े की मार्केटिंग करना चाहते हैं तो आप चांदपोल बाजार कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, काफी कम प्राइस में आपको अच्छी चीज मिल जाती है। यहाँ से आपका ये चांदपोल बाजार प्रवेश द्वार है, आप देख सकते हैं यहाँ से आप एंटर हो गए। इसके बाद मैं आपको आगे लेकर के चलता हूँ सीधा छोटी चौपड़। ये बाजार है कुछ इस तरीके से, चांदपोल बाजार हमारी इवनिंग में समथिंग 8 बजे तक खुली रहती है, वहीं मॉर्निंग में आपकी 11 बजे से सारी दुकानें खुल जाती हैं। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आगे हम बढ़ेंगे छोटी चौपड़ के लिए। यदि कोई प्लेयर चौगानी स्टेडियम जाना चाहे
तो वो छोटी चौपड़ से सीधा जौहरी बाज़ार चौगानी स्टेडियम के लिए जा सकते हैं। छोटी चौपड़ से आपको नीचे ढलान में उतरना है, अप्रोक्स लगभग 300 मीटर नीचे उतरने के बाद आपको देखने को मिल जाएगा चौगानी स्टेडियम। यह है आपका छोटी चौपड़ का ग्राउंड, आप देख सकते हैं, यह है आपका छोटी चौपड़। देन इसके बाद जैसे ही आप छोटी चौपड़ क्रॉस करेंगे आपको देखने को मिलेगा बड़ी चौपड़, जहाँ पे आप देखेंगे हवा महल, इसके बाद आप ले देखेंगे जल महल। सो वीडियो पे अंत तक बने रहिए, और यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ कबड्डी से रिलेटेड इस चैनल पे आपको हर छोटी सी बड़ी वीडियो मिलती रहेगी, सो उसके अकॉर्डिंग आप चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो आगे आपको लेकर के चलते हैं बड़ी चौपड़। आप देख सकते हैं ये हमारी बड़ी चौपड़ हम पहुंच गए हैं। आप देख सकते हैं ये बड़ी चौपड़ है और ये बड़ी चौपड़ का मेट्रो स्टेशन है। आप डायरेक्ट जयपुर सेंट्रल से बड़ी चौपड़ के लिए आप बैठ करके मेट्रो में भी आ सकते हैं। यहाँ से उतरने के बाद आपको वहाँ जाना है ये इस तरीके से। ये आपका हवा महल है और यहीं से हवा महल के पास से आपको 29 नंबर बस मिलती है। 29 नंबर बस में आप बैठ के आमेर पोर्ट के रॉयल होटल के पास पानी की टंकी के पास आपको उतरना है। देन इसके बाद आपको एकता मैरिज गार्डन के पास पीसीएस एकेडमी देखने को मिल जाएगी। हमारी एकेडमी विमल ब्यूटी पार्लर्स के जस्ट सामने है। तो दोस्तों आगे मैं आपको लेकर के चलता हूँ। ये बस में हम बैठ चुके हैं, 29 नंबर बस है, लो फ्लोर बस नहीं है, ये लोकल प्राइवेट बसें हैं। इनका किराया मात्र 15 रुपए है। आपके के रॉयल होटल के पास आप उतर सकते हैं, पानी की टंकी के पास उतर सकते हैं, पानी की टंकी के पास ही आपको एकेडमी देखने को मिल जाएगी। तो ये अपन आगे बढ़ेंगे कुछ इस तरीके से। इसके बाद ये यहाँ पे हम मिलेगा, आगे बढ़ेंगे कुछ इस तरीके से, आप देख पाएंगे। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से जयपुर के सभी टूरिस्ट प्लेस दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। हवा महल, जल महल, आमेर पोर्ट, आपको देखने को मिलेंगे, साथ ही छोटी चौपड़ और बड़ी चौपड़ जिसे आप पुरानी जयपुर के नाम से भी जानते हैं। कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं। इसके बाद हमें देखने को मिलेगा जल महल। जल महल आपको देखने को मिलेगा, यह जोरावर सिंह गेट है। जोरावर सिंह गेट के बाद कुछ इस तरीके से आप आगे बढ़ेंगे और आपको देखने को मिलेगा जल महल। कुछ इस तरीके से आप ट्रेवल करेंगे, यदि आप बाई बस ट्रेवल करते हैं तो कुछ इस तरीके से आप करेंगे, जल्दी आपको जल महल देखने को मिलेगा। इस वीडियो के माध्यम से लगभग आपको सभी टूरिस्ट प्लेस देखने को मिल जाएंगे। हालांकि मेरा एक अलग ब्लॉग चैनल है, डिस्क्रिप्शन पे आपको ब्लॉग चैनल की लिंक मिल जाएगी, आप वहां से जाकर के मेरे ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब करें। जयपुर के समस्त टूरिस्ट प्लेस को मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा अपने ब्लॉग चैनल के माध्यम से। इस वीडियो में मात्र आपको जयपुर सेंट्रल से पीसीएस एकेडमी जयपुर तक का ओवरऑल एड्रेस दिखाने का प्रयास किया गया है। आगे बढ़ेंगे, ये हमारा आ गया रामगढ़ मोड़ के नाम से। ये आपका जल महल है, आप इसको ध्यान से देखिए, ये जल महल है, ये बेसिक आपका जल के अंदर है, इसीलिए इसको जल महल के नाम से भी जाना जाता है। और समस्त टूरिस्ट यहाँ बने प्लेटफॉर्म में अपनी
फोटो वगैरह शूट करते हैं। और ये है हमारा जलमहल। जैसे ही आगे हम ट्रेवल करेंगे कुछ इस तरीके से, मैं आपको हाई स्पीड में दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। वीडियो काफ़ी सारा लंबा हो जाएगा, हालांकि आपको वीडियो स्किप नहीं करना, आप वीडियो को ध्यान से देखें। और इस वीडियो में आपको ओवरऑल टूरिस्ट प्लेस देखने को मिल जाएंगे, साथ ही इस तरीके से आप PCS एकेडमी में पहुँचेंगे ये भी आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ से आपको इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा, ये आपका जल महल आप देख पाए हैं। आगे मैं आपको ले करके चलता हूँ आमेर पोर्ट। ये आपका एयरफोर्स स्टेशन है, बेसिक एयरफोर्स का स्कूल भी है यहाँ पे। और हम यहाँ से निकलेंगे आगे नारगढ़, जयसिंह पैलेस, आमेर पोर्ट देखते हुए कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। ये है हमारा आमेर पोर्ट जाने का, जहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से घना जंगल देखने को मिलता है। ये आपका एक गेट आपको मिलेगा बीच में। आगे आ जाते हैं हम आमेर किला। ये आपका आमेर पोर्ट का साइड पार्ट्स है, आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। और ये एक तालाब है जहाँ पे आपको पानी देखने को सदैव मिलता रहता है। आप कभी भी आते हैं आपको यहाँ पे पानी ज़रूर मिलता है ऑल सीज़न। हालांकि बरसात के समय में पानी की मात्रा अधिक हो जाती है। ये है आपका आमेर पोर्ट, आमेर किला के नाम से फेमस प्लेस आमेर पोर्ट। यहाँ पे कबूतरों के लिए दाना डाला जाता है और आटा भी डाल सकते हैं मछलियों के लिए। ये आपका एंट्री द्वार है, प्रवेश द्वार है इस तरीके से। आगे मैं आपको लेकर के चलता हूँ एकेडमी की ओर। ये बाहर से देखने का दृश्य है, यहाँ पे माता का मंदिर है आमेर पोर्ट में, आप ऊपर जा कर के देख सकते हैं। ऊपर जाने का कोई चार्ज नहीं है, ऊपर जाने के बाद आपको टिकट मिलती है, देन इसके बाद आप माता के मंदिर में ऊपर प्रवेश करते हैं। कुछ इस तरीके से आपका आमेर पोर्ट का आमेर का मार्केट है। इसके बाद आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको मैं लेकर के चलता हूँ PCS एकेडमी जयपुर के नाम से एकेडमी स्थित है लेटेस्ट समय में आमेर पोर्ट में। आमेर पोर्ट से लगभग 200 मीटर आगे KK रॉयल होटल के सामने, पानी की टंकी के पास, नियर बिमल ब्यूटी पार्लर्स, एकता मैरिज गार्डन। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से, ये आपको जल्द ही ग्राउंड देखने को मिल जाएगा। ये है ग्राउंड जिसमें बच्चे प्रैक्टिस करते हैं, ये ग्राउंड है, काफ़ी बड़ा ग्राउंड है। और ये है आपका KK रॉयल होटल, KK रॉयल होटल के सामने जस्ट ये है एकता मैरिज गार्डन वाली गली, इसी गली में आपको एंटर होना है। देन इसके बाद 10 मीटर में आपकी एकेडमी है PCS एकेडमी। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आशा करते हैं इस वीडियो के हेल्प के माध्यम से आप PCS एकेडमी में सही तरीके से आसानी से पहुंच जाएंगे। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।